इधर पीएम के अपमान पर बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को बीजेपी बर्खास्त करने की मांग कर रही है, तो मंत्री आरोपों को नकार रहे हैं। अब यहाँ 10,000 की भीड़ थी, अगर कोई कुछ कर देगा तो उसका जिम्मेदार तो हम नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसको जूता मारो, सवाल ही नहीं उठता। आपके भाषण में है कि अगर वो यहाँ नहीं आया उसकी तस्वीर है, उसे जूते लगाइए। नहीं, लोगों का कहना था कि मारे, हम कहा गए नहीं, अगर वो नहीं आया है उसकी तस्वीर को जूता ना को आप लोग क्यों छपा देते हैं? जूता न मारो ना को आप लोग कहाँ ले जाते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं क्या? आप मानते हैं कि जो जिसने भी जूते चलाए तस्वीर पर वो गलत है? बिल्कुल गलत है, वो गलत तो वो किया ही है, नहीं मानना चाहिए इतना बड़ा आदमी को, लेकिन संकट है, लोग आज भी संकट में परेशानी है। आपने कहा कि वो नक्सलाइट है, डकैत है, मोदी, पीएम मोदी के बारे में आपने कहा कि पीएम मोदी वो नक्सलाइट है, वो डकैत है। नहीं, हमने वो भी नहीं कहा है, इन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। विपक्ष बीजेपी इस मांग पर गई है आपकी बर्खास्तगी को लेकर के, और आज सदन में हमेशा बर्खास्तगी के मांगता है, उसको उसकी जो आदत है, उसका जो चलन है, उसका जो स्टैंड है, वो करता है। अब उसके कहने से कोई किसी को अगर बर्खास्तगी कर देगा। जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो कहा उससे साफ मुकर गए मंत्री महोदय। खैर, पीएम के अपमान को लेकर के अब बीजेपी ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा भी किया। सर, जलील मस्तान ने पीएम को जितने तो जूते लगाए हैं वो गलत है। हमने वीडियो देखा है और वीडियो में इन सब चीजों से, ऐसे शब्दों से उनको परहेज करना चाहिए था। जो है ये गरिमा वाला पद होता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, इसे हम तो इसके पक्षधर नहीं रहे। देखिए, ऐसा है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह के आक्षेप करना सरासर गलत बात है, क्योंकि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग कभी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। विरोध